ओवर एंड ऑल ले लीजिएगा पेन। अच्छा, चर्च का आगाज हम लोग, सर मैं थोड़ा सा चाहूँगा आप मेरी, क्योंकि माइक यहाँ पे नहीं है, आवाज़ आप सबको पहुँच जाए। चर्च का आगाज़ हम लोग बेल बजा के करते हैं, बेल लगी हुई है और यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ हमारी चर्च की पार्किंग हुई थी और आम गैदरिंग हुई थी। आज हमारा क्रिसमस न्यू डिनर है, हमारे बिशप साहब को, हमने बिशप जो होते हैं वो लीड करते हैं एक बड़ी तंजीम को। यहाँ पर दो बड़े जो वो हैं, उसके अलावा छोटे मोटे हमारे और भी प्रोटेस्टेंट फिरके होते हैं, लेकिन जो मेन वो हैं वो चर्च, एक डायसिस ऑफ कराची है और एक रोमन कैथलिक चर्च है। ठीक है जी, हम लोग जहाँ खड़े हैं ये डायसिस ऑफ कराची का चर्च है। मैंने जैसे बताया सिस्टमेटिक तरीके से हम इबादत जो है ना वो उसी अंदाज से चलते हैं जिस तरह ये चलता रहा है, और हम इसमें बातों का सिलसिला और जो तरतीब है वो बिला वजह तब्दील नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं इसकी बातों में क्या होता है वो आपको डिटेल और बताऊँगा। यहाँ जो आप खड़े हैं यहाँ बेसिकली स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ थी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने बच्चों के लिए अभी भी उस वक्त उस दौर में भी और अभी भी ये जो है ये बाद में कारपेटिंग हुई है। वैसे बेसिकली यहाँ पर ये रोड ये बना हुआ था जहाँ पर बास्केटबॉल खेली जाती थी और अभी भी यहाँ पर गेम्स स्पोर्ट्स कराए जाते हैं बच्चों के लिए ताकि हेल्थी एक्टिविटी, लेकिन संडे के रोज़ यहाँ पर पार्किंग की जाती है। लेकिन उसके अलावा अभी भी यहाँ पर एक फैसिलिटी है कि हम लोग बच्चों को वो करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये क्योंकि आज हमारा डिनर है तो इसलिए ये तैयारियाँ चल रही हैं। बिल्कुल मेरे आप उल्टे हाथ पर देख सकते हैं कि ये हमारा संडे स्कूल है और ये भी उसी दौर से बना हुआ, लेकिन उस वक्त ये बैरिक्स थे। बैरिक्स ये थोड़े ये बेसिकली जो फॉरनर्स आए थे, जो सोल्जर्स थे उस दौर में 1875 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर बैरिक्स थे, ये सामने भी बैरिक्स थे। वो जो सामने जो जगह है वो पैरिश हाउस था और अभी भी ऊपर नीचे बना हुआ पैरिश हाउस है। ये सेम पीरियड का 1875 के वही पत्थर लगा हुआ है और हमने जब इसको थोड़ा सा रेनोवेट भी किया है तो हमने इसका स्टाइल वही रखा है, हमने इसकी तरतीब चेंज नहीं की, हमने इसका कलर भी चेंज नहीं किया और आप देख सकते हैं कि हमने वो कॉलोनियल पीरियड को उसी तरह प्रिजर्व किया है। 1875 से अगर आप देखेंगे तो अभी भी आप नज़र आ रहा होगा इसका ना फीलिंग की, हमने ये फीलिंग ज़रूर की है, लेकिन हमने इसको आर्किटेक्टर को बुलाकर इसको हमने कराया है ताकि जो चर्च का जो लुक है, अब जब अंदर जाएंगे तो आप इसको बर्ड व्यू लेंगे, जब भी चर्च नज़र आएगा आपको क्रॉस में नज़र आएगा चर्च, जब भी ऊपर से आप देखेंगे कोई भी चर्च अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके बना वो क्रॉस नज़र आएगा, उसके सामने होंगे साइड विंग्स होंगे। ठीक है, इस चर्च को भी आप बर्ड व्यू लेंगे, कभी भी आप ऊपर से जाके चेक करेंगे तो आपको क्रॉस नज़र आएगा और अभी भी आप जो देख रहे हैं साइड विंग नज़र आ रहे हैं इसके, इसका एक, हाँ जी इसका इसके जो जब आप आगे चलेंगे, आइए मेरे साथ, ये संडे स्कूल है हमारे जिसमें जिक्र किया। अच्छा, हमारे हमारे चर्च की पूरी जो हिस्ट्री है हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पर लिख के लगाई है ताकि ये बात ऐसा ना हो कि कोई बंदा वो ना कर रखे। हमने इस टैबलेट पर लिख के लगाई है कि इसका अमेरिकन इसको आया था 56 रेजिमेंट, मैंने जैसे जिक्र ब्रिटिश सोल्जर्स ने मार्च करते हुए 1873 में यहाँ पर कराची में आकर ये मेथोडिस्ट चर्च मेंटेन किया और ये इस सब चीज़ें पहले जो पादरी थे उसके रेवरेंड फ्रैंक एम्ब्रोस गुडमैन थे। ठीक है जी, उन्होंने मेथोडिस्ट चर्च के उससे आया, इसका क्या कितने पैसे लगे थे उस वक्त 5159, सब कुछ लिख के लगाया गया और ये बताया गया कि उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, इसकी जो छत चेंज की गई उसके बाद ये बताया गया कि क्या क्या हमने वो चीज़ किया हमने, और ये सारी चीज़ें हमने इसको एक प्लेट पे लिख के लगाई ताकि लोगों को याद रहे कि हमारा क्या रहा। उसकी उसको थोड़ा ब्रीफ हमने यहाँ तक भी लगाया जो इसकी जो वही चीज़ें थोड़ा ब्रीफ कर लगाए, प्लस हमने इसमें ऐड किया कि इसकी जब जो छत थी वो हमने इसकी तब्दील की, क्योंकि उस वक्त लकड़ी की छत होती थी, फिर हमने इसको सीमेंटेड छत कराई है क्योंकि वो लकड़ियाँ गिर रही थी, तो इसलिए इसको हमने फिर चेंज किया। ये हमने सारा वो इसकी हिस्ट्री लगाई है ताकि हमारे लोगों को बच्चों को याद रहे कि ये क्या था और क्या हुआ। आप यहाँ से देखेंगे चर्च को तो आपको एक गोल ऐसे मेहराम नज़र आ रहा है। बेसिकली होता है कि जब जो प्रीचर प्रीच करता है, जो वास करता है, तो उसकी आवाज़ गूंजनी चाहिए क्योंकि उस वक्त
साउंड सिस्टम नहीं होते थे, तो इस ऐसे ऊंची जगह से बोलते थे जो आवाज़ उसको इको करके आगे जाए। तो जो आप अक्सर देखते होंगे मस्जिदों में जो आपको गुंबद नज़र आते हैं, तो ये उसी साउंड को जो रिफ्लेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये उसी दौर से हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। और ये वो है, दो मैंने बताया था, ये पैरिश हाउस ऊपर बने हुए हैं यहाँ पर पादिश जी जी। अच्छा, ये मैंने आपको ये चर्च हो गई, इंस्टीट्यूट हो गया, ये नहीं, ये संडे स्कूल है, ये संडे स्कूल, अच्छा, बच्चों को पढ़ाया जाता है जी जी। ये हमारे पारिस समान के घर हैं, अच्छा, ये बनाए गए हैं, ये हमारा एक अदारे का जगह है, ये उसको चर्च वर्ल्ड सर्विस कहते हैं, चर्च वर्ल्ड सर्विस, अच्छा। और ये देखें, ये वही उसी तरह ब्रिक्स लगे हुए हैं जैसे चर्च के लगे हुए हैं, यानी ये आपने इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना, स्ट्रक्चर वो सारा परसीव किया है, और इस जगह को और इसकी हुरमत को आपने बड़ा महसूस किया। ये इनका चर्च ऑफिस है जी जी, ये हमारे एक पहले जो पैरिश प्रिंस होते अभी भी हैं, इंग्लिश सर्विस के सेंट एंड्रूस इंग्लिश पैरिश के जो वो हैं। और इसी तरह देखें, मैंने आपको कहा था ना कि ये आपको क्रॉस नज़र आएगा, तो आपने उस साइड देखा था, आप इस साइड देखेंगे तब भी ये आपको इसी तरह नज़र आएगा। वो विंग्स हैं और ये गोल है, यानी यूँ समझो एक्सट्रीमली अगर हम इसका आर्किटेक्चर लें तो ये एक क्रॉस पे है ना। ये जो बिल्डिंग है ये हमने ऑफिस बाद में बनाए हैं, अच्छा, क्योंकि हमें ज़रूरत थी ऑफिस होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, लोग आते हैं तो उसका, ये हमारे वो हाउस हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं यहाँ रहते हैं हमारे साथ, उनके साथ भी हमने क्योंकि ये 24 आवर्स के